वॉइस ऑफ राइट्स में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। एक ओर जहां सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है, तो वहीं प्रशासन की उदासीनता के चलते लटेरी बालक माध्यमिक शाला में बच्चों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। लटेरी के माध्यमिक शाला में बच्चों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ता है। मध्याह्न भोजन के बाद पीने के लिए जो पानी है वह दूर हैंडपम्प से उन्हें लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि स्कूल में खुद का हैंडपम्प नहीं लगा हुआ है, स्कूल का हैंडपम्प पिछले 3 सालों से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत तो की गई लेकिन सुधार की दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सुनील, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सात। यहाँ पानी पीने के लिए क्या, कहाँ जाते हैं आप? मेरा जब से एडमिशन हुआ है ना, जब से सर बिगड़ा ही पड़ा था। अच्छा, कितना टाइम हो गया? साल एक हुए सर, मैं आया था सर, छठी में एडमिशन हुआ था मेरा। तो पानी पीने कहाँ जाना पड़ता है आपको? टोटी तो नल से। अच्छा, तो दिक्कत आती होगी आपको? आती है। खेलने वगैरह के लिए आपका करना पड़ता है, ये पानी भरा है, यहाँ दिक्कत आती है? हाँ सर, आती है दिक्कत। तो क्या चाहते हैं आप? सर ये सुधर जाए। सुधर जाए, नल से सुधर जाएंगे। ये बच्चों के पानी के लिए जैसे व्यवस्था क्या है पीने के लिए यहाँ? अभी ये हाथ से नहीं डालते हैं पानी पीने के लिए, या फिर उधर हैंडपम्प पे जाते हैं, हैंडपम्प उधर। तो आपके यहाँ हैंडपम्प नहीं है क्या? हाँ हैंडपम्प नहीं है, मेरे हैंडपम्प है लेकिन वो खराब हो गया। कब से खराब पड़ा? कम से कम 3-4 साल हो गए। तो 3-4 साल में अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया, किसी ने सुधरवाया नहीं? किसी ने सुधरवाया, नगर पालिका में भी आवेदन दे चुके हम, और चुनाव के टाइम पे अधिकारियों से भी हमने कहा था भाई सुधरवा दो। तो यहाँ पानी का टैंकर रखवा देते हैं चुनाव में, लेकिन हैंडपम्प ठीक हुआ। मतलब सभी अधिकारी भी आकर देखते हैं, लेकिन है ना ध्यान कोई नहीं देता, ध्यान किसी ने दिया। नगर पालिका की अनदेखी के चलते अनदेखी है, बिल्कुल पानी भी जी होता जाना पड़ा, बिल्कुल नगर पालिका की अनदेखी, नगर पालिका में आवेदन नहीं दे चुके हम। ओके।